मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में एथलीट कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी की हो चुकी है आंसर की रिलीज, और आंसर की आने के बाद सभी बच्चों ने अपने अपने क्वेश्चनों को मिला लिया है और साथ साथ ये भी देख लिया है कि क्या कोई क्वेश्चन गलत है या नहीं है। अब गलत है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें आपत्ति दर्ज करनी होगी, और आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको फीस भी पे करनी होगी। इस बार 100 रुपये आपको बोर्ड को एसएससी को देनी होगी, 100 रुपये फीस। साथ साथ उसके बाद जब आप आपत्ति दर्ज करोगे तो आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आपको उसी टाइम प्रिंट आउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं मिलने वाली, उसे आप तुरंत निकाल लें। और साथ साथ इस वीडियो में हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए चलते हैं आगे। ये ऑफिशियल साइट पर दिया गया नोटिफिकेशन है और इसमें लिखा गया है अपलोडिंग द टेंटेटिव आंसर की। तो यहाँ पर इन्होंने आंसर की के बारे में पूरी बात कर दी है। देखिए हम पूरी बात बता देते हैं आपको हिंदी में कि कमीशन ने जो पेपर लिया था 11 से 11 मार्च के बीच जो पेपर लिया गया था, सीबीटी टेस्ट लिया गया था, उसकी टेंटेटिव आंसर की आपको रिलीज कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है। आप मेन साइट जो है ssc.nic.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसके द्वारा? रोल नंबर और पासवर्ड के द्वारा आप इसे कर सकते हैं डाउनलोड। और ये आपको कब से कब तक मिलेगी? 30 अप्रैल से, और ये मिलेगी भाई 5 मई तक, ये शाम 6 बजे तक आपके पास रहेगी बोर्ड की वेबसाइट पर। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर है आपत्ति तो उसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल 100 रुपये पे करना होगा। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको 100 रुपये पे करना होगा, साथ साथ उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, क्योंकि उसके बाद इन्होंने कहा है कि टाइम लिमिट के बाद, मतलब 5 मई 2019 के बाद यहाँ से इसे को हटा दिया जाएगा। तो ये जानकारी रही कि आपको 100 रुपये जो है देने पड़ेंगे। क्वेश्चन गलत है अगर आपके तो उसके हिसाब से देखिए, अगर आपको करना हो ऑब्जेक्शन तो यहाँ पर लास्ट में आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेन साइट पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए अभी मेन साइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने के बाद लास्ट में आपको एक बार क्लिक हियर जहाँ पर लिखा है यहाँ पर एक बार फिर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर डालना होगा आपको क्या, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा खुल जाएगा पेज। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर करना होगा हमें क्लिक, और देखिए ये जो है यहाँ पर पूरे निर्देश दिए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पर सभी निर्देश आप कर सकते हैं। इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे हम, यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर यहाँ पर क्लिक हियर पर करते हैं एक बार फिर से तो ये पूरा पेपर खुल चुका है, पूरा पेपर खुल चुका है। देखिए यहाँ पर बच्चे का पेपर आप देख सकते हैं, इनका पेपर जो था वो था 4 से 5:30 बजे के बीच, 7/3/2019 को इनका पेपर रहा था। अब अगर हमें करना है ऑब्जेक्शन, करेंगे ऑब्जेक्शन व्यू पर जाएंगे और ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद ये क्लिक टू प्रोसीड लिखा है, यहाँ पर 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये बात यहाँ पर भी आ चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ 100 रुपये का पेमेंट करके और कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्शन। इस तरह से ये बात तो हुई कि आप ऑब्जेक्शन किस तरह से करेंगे। अब देख लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए भैया नव भारत टाइम्स का जो है अपडेट है, और 2 मई 2019 का 10:05 का ये अपडेट यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें पूरी जानकारी पढ़ने के बाद कि रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है इन्होंने, एसएससीडी कांस्टेबल आंसर की को केवल आवेदक अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए ही देख सकते हैं। इस आंसर में आवेदक अपने सवाल और उनके जवाब देख सकते हैं। बता दें एसएससीडी कांस्टेबल रिजल्ट की घोषणा एसएससी पहले ही कर चुका है, पहले ही कर चुका है। इस परीक्षा का परीक्षा परिणाम जो है वो संभावित है 30 मई 2019 को। तो 30 मई 2019 को आप देख सकते हैं रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, जैसा कि नवभारत टाइम्स में ये खबर छपी है। तो आप जो है बिल्कुल अपने नंबर बता सकते हैं, और अगर आपने पेपर मिलाया है और पेपर मिलाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन गलत लगे हैं तो जो क्वेश्चन गलत लगे हैं
उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन गलत रहे थे और आपने कितने क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन किया है। तो सभी बच्चे, अभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी में बने रहें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।